हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी सेकंड आइडेंटिटी ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर को एक एक्टिविटी से प्रूव करेंगे। देखिए, इसके लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले कलर शीट आपने लेनी है, तो हमने एक पिंक स्क्वायर शीट ले ली है जिसकी साइड ए है। तो ये एक स्क्वायर पीस आपने काटना है, ए साइड कुछ भी आप मान सकते हैं। सेकंड देखिए, आपने दो रेक्टेंगल्स कट करने हैं, ब्लू कलर के हमने करे हैं, जिसकी साइड तो उतनी है ए लेंथ, लेकिन इसकी आपके पास चौड़ाई कितनी मान ली हमने, बी। आप कुछ भी नंबर्स भी ले सकते हैं। तो दैट मीन्स कि ये दो रेक्टेंगल्स ए साइड ए बाय बी साइड मेजरमेंट के हैं। अब आपने क्या करना है बेटा, ये देखिए, ये जो मेरे पास पिंक स्क्वायर था, इसका क्या साइड थी, ए है ना। अब इस पिंक वाले में से आपने ये जो ब्लू रेक्टेंगल बनाया था, इतना इसके ऊपर रख के इसे आपने यहां से कट कर देना है। इस हिस्से को पिंक में से निकाल देना है बेटा। ये बी था इधर से और इधर से ये ए था, है ना। तो इसका मतलब कितना एरिया है इसका, इस ब्लू वाले का ए बी, और इस पूरे बड़े वाले का क्या था, पिंक का एरिया क्या था, ए साइड थी ना उसकी, ए स्क्वायर था। ब्लू का क्या है, ए बी, और इसमें से हमने इसे घटा दिया बेटे, काट दिया ना, तो इसका मतलब ये घट गया। तो अब ये जो हिस्सा बचा है हमारे पास, दिस वन, ये इसका कितना बचेगा, ये जो हम अब हम निकाल रहे हैं, शेडेड कर दिया हमने थोड़ा सा, ये कितना बचेगा आपको देखिए क्लियर पता चल रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी। ये जो हिस्सा मेरे पास बचा, ये कितना एरिया बचा, ए स्क्वायर, पूरा बड़ा वाला ए स्क्वायर था ना, उसमें से ए बी एरिया हमने माइनस कर दिया, तो ये बचा ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए इसका हमने कैसे यूज करना है बेटा। आपने क्या करना है, यही पिंक जैसे एक मैंने रेक्टेंगल यहां रख के कट किया था, सेम उसे रख के आप इस साइड भी दूसरा रेक्टेंगल कट कर देंगे, ठीक है। तो इधर से भी हमने एक आयत कट कर दिया, इधर से भी एक आयत कट कर दिया। अब इधर इसकी साइड कितनी है, बी, पूरे की बड़े वाले की साइड कितनी थी, ए। तो जब आपने ए में से बी को घटा दिया, काट दिया, तो जो बाकी बचा उसकी साइड कितनी बची, ए माइनस बी। ऐसे यहाँ पे भी साइड कितनी बची, ए माइनस बी, और ये भी ए माइनस बी, आप समझ गए हैं। और ये इसकी लेंथ हमने रेक्टेंगल लिया था बी, और यहाँ पे ये बन गया b इंटू बी, दैट मीन्स बी स्क्वेयर। तो फाइनली आप देखेंगे ये जो मेरे पास हिस्सा बचा हुआ है, ये एक स्क्वेयर है जिसकी साइड कितनी है, a माइनस बी। तो ये a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इसका एरिया, जो कि हमें चाहिए। तो अब हम देखते हैं हमने कैसे निकाला a माइनस बी का होल स्क्वेयर। कैसे निकाला, सबसे पहले हमारा बड़ा वाला एरिया कौन सा था, ए स्क्वेयर, है ना। उस ए स्क्वेयर में से मैंने ये माइनस किया बी इंटू ए माइनस बी, फिर दूसरा भी बी इंटू ए माइनस बी, इसे भी माइनस करना है, और तीसरा किसको माइनस करना है, ये छोटे स्क्वेयर को माइनस बी स्क्वेयर को, जो कि हमें रेक्टेंगल्स रखने से मिले हैं। तो फाइनली जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये देखिए ये कट गए आपस में, बी स्क्वेयर और बी स्क्वेयर कट गए, यहाँ पे हमारे पास रह गया ए स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस ए बी टू ए बी माइनस प्लस बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, है ना। तो यही हमें फॉर्मूला हमें प्रूव करना है। तो यहाँ इस तरीके से हम इसे इजीली प्रूव कर पाए हैं बेटा। तो आप ध्यान से समझिए इसे और प्रैक्टिस करके अच्छे से इसको अप्लाई करना सीखिए। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड।